स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसू। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन। ओके, इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। इन दिस लेट डिस्कस सम अदर पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। देखिए, हमने मेन पढ़ चुके हैं हम ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूविक एसिड में। And how the pyruvic acid get breakdown into the oxygen through the Krebs cycle. Okay, here we discuss some other pathway जिसमें क्या होता है glycolysis के during जो components बनते हैं वो ना बन के कुछ intermediate components बनते हैं। Is that clear? तो यहाँ पे दो pathway हम discuss करेंगे। One is hexose monophosphate pathway and another is pentose phosphate pathway. It means that is oblique. It means या तो hexose monophosphate pathway बोल सकते हैं या pentose phosphate pathway. सेकेंड है एटनर्स डियोड्रॉप पाथवे। ओके, यानी इसमें भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लेकिन ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके कुछ और इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। तो ये सबसे पहले वारबर्ग और डिक्सन ने इसके बारे में डिस्कवर किया था कि कुछ एनिमल्स में, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ऑप्शनल पाथ होता है, यानी पाइरूविक एसिड और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके कुछ और इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और इन्होंने बताया कि वो इंटरमीडिएट कंपाउंड 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दैट इज नोन एज राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ओके, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, दैट्स व्हाई द पाथवे इज नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इज इट क्लियर? इसकी जितनी भी रिएक्शंस थी दोज आर गिवन बाय द रैकर। तो रैकर ने बताया, देखिए तीन स्टेप में उसने बताया इस प्रोसेस को कि सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस है या क्रैब्स साइकिल है या C3 साइकिल, जिसमें फॉस्फोराइलेशन इट मींस क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब एडिशन कैसे होगी फॉस्फेट की, वो आपको पता है भाई, एटीपी की यहाँ पे एडिशन हो जाएगी और एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप यहाँ देगा और लास्ट पे आपको मिल जाएगा एडीपी। क्लियर है? अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? तो यानी एटीपी ने जो क्या किया, यहाँ पे इसने अपने एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया तो हमें क्या मिल गया, एडीपी मिल गया। तो देखिए इससे क्या क्लियर होता है, पहला जो स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज डिसोसिएट हो गया हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, डिसोसिएट नहीं कह सकते, फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी अब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसमें क्या होगा, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NAD, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही भाव है, एक ही आएगा इसमें, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस हमने यहाँ पे लिया है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये हमें देगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या मिल गया हमें, 6 फॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड मिल गया, प्लस यहाँ पे जो 6 NADPH2 यानी एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई। थर्ड और लास्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड हमारा प्रोडक्ट था सेकंड में, ये क्या करेगा, PGA फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस करेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव प्लस CO2। क्लियर है? यानी 6 मॉलिक्यूल्स थे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, इसलिए हमने कहा इसको डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, एक राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन गया। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो क्या बना है, यहाँ पे हमारा राइबुलोज 5 फॉस्फेट, दैट्स व्हाई द पाथवे इज नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इज दैट क्लियर? अब इसमें देखिए एक चीज आपको क्लियर है कि यहाँ पे 6 NADPH2 ये हो गए, 6 NADPH2 ये हो गए, तो टोटल कितने NADPH2 हो गए, 12। तो एनर्जी कितनी प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, 3 ATP एक बनाता है तो 36 ATP की प्रोडक्शन हो रही है, यानी ये बात में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कम एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अंडरस्टैंड? इट इज ऑल्सो ए गुड पाथवे। और दूसरा था वो था एटना डियोड्रॉप पाथवे। ओके, ये सबसे पहले एटना डियोड्रॉप ने बताया कि कुछ बैक्टीरियाज में, जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि ग्लाइकोलिसिस शुगर की जो ब्रेकडाउन होती है वो मेन कंपोनेंट में ना होकर कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स में होती है। क्लियर है? तो इन दो पाथवे के थ्रू क्या डिस्कशन किया गया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और भी किसी तरीके से होता है, वो दो तरीके से हो
होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है, इज दैट क्लियर?